चलिए अब हम पढ़ते हैं एग्जेम्प्ट इनकम के बारे में। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एग्जेम्प्ट होना अलग चीज होती है जो सेक्शन 10 के अंदर है, डिडक्शंस होना अलग चीज होती है जो हमारे 80C के आसपास के सेक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, सो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एग्जेम्प्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। एग्जेम्प्शन मतलब वो जिस इनकम के ऊपर कोई टैक्स लगता ही नहीं है। ठीक है, इनकम है और इसके ऊपर टैक्स नहीं है, गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, इसमें जितना कमाना है कमाओ, जितना अर्न करना है करो, हम आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे जिन्होंने जीएसटी पढ़ा होगा उनको आइडिया रहेगा कि जीएसटी के अंदर क्या रहता है। अगर आपने नहीं पढ़ा इसके बात करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा कभी मैं कहता हूँ ना कि जीएसटी पढ़ा है तो मतलब ये मैं सोचना कि सर पहले जीएसटी करेंगे क्या? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई सा कोर्स पहले कर लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने जीएसटी पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो अभी पहले पढ़ लो फिर वहां पे समझ में आएगा। तो जीएसटी में भी हमारे ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो सप्लाई के अंदर कवर नहीं होती है, जो जीएसटी के अंदर कवर नहीं होती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें थी जिनके ऊपर जीएसटी अप्लीकेबल ही नहीं है, वहां पे ना एग्जेम्प्ट भी कर रखा है। सो अलग अलग चीजें आती है वहां पे भी। तो इसी तरह से यहाँ पे एग्जेम्प्ट है जिनके ऊपर इनकम पे आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कितना ही अर्न करो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी इनफाइनाइट मतलब एक बहुत लंबी लिस्ट है सेक्शन 10 के अंदर, बट मैंने क्या कराया है जितनी हमारे लिए रेलेवेंट होती है मेन होती है वो सब यहाँ पे हमने डिस्कस करनी है। उसके अलावा लिस्ट तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है, सो उनमें से यूसेज में नहीं आते, जितनी भी यूसेज में आती है वो सब मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। फिर भी अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कभी सर्च करना चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं मैं सर एक बार लिस्ट देखना चाहूंगा कि कौन सी वो लिस्ट है उसमें क्या क्या कंटेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, जो समझाने वाली थी वो समझाऊंगा, बाकी तो रीड करते ही अपने आप एक एक लाइन पढ़ के आपको क्लियर हो जाएंगी। गूगल क्या करोगे सेक्शन टैक्स ऑफ इनकम टैक्स है, सेक्शन पता है ना अभी। सो सेक्शन 10, जब सेक्शन पता है तो डायरेक्टली सेक्शन सर्च करो, सेक्शन नहीं पता होता तो फिर आप क्या सर्च करते, एग्जेम्प्ट इनकम एज पर इनकम टैक्स है। क्लियर है, तो इस तरह से आप क्या करते हो उसको सर्च कर लेते। अब एग्जेम्प्ट इनकम की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे लिए कौन कौन सी इनकम्स का एग्जेम्प्शन है। शेयर रिसीव्ड बाय मेंबर्स फ्रॉम इनकम ऑफ HUF, अभी HUF फॉर्म कर रखी है, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF फॉर्म है, उसमें ना मेंबर्स होते हैं अभी, मतलब फैमिली के मेंबर्स लाइक ब्रदर हो गए, फादर हो गए, मदर हो गई। सो इस तरह से हमने क्या उनमें मेंबर बन गए एक HUF फॉर्म दे दी। अब HUF जो प्रॉफिट अर्न करेगी ना वो प्रॉफिट क्या लेंगे, तो हम ही यूज करेंगे ना, वो HUF तो कुछ है ही नहीं, नॉन लिविंग थिंग है, तो वो प्रॉफिट का क्या करेगी। अगर मान के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया बाकी तो सब हम ही लेना है, तो वो टैक्स HUF के हैंड में तो टैक्सेबल होगा, HUF को तो उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, बट उसके बाद हमें जब मिलेगा ना मेंबर्स को मिलेगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। सिंपल सा देखो, कहीं पे भी कोई भी इस तरीके का आता है तो नॉर्मली एग्जेम्प्ट होता है। मतलब जब आपका इनकम कहीं पे एक बार टैक्सेबल हो चुकी है ना उस पर दोबारा से इनकम टैक्स नॉर्मली नहीं लगता, डबल टैक्सेशन नहीं होता। तो एज अ HUF आपने पे कर दिया ना, अब HUF क्या हो गया एक तरीके की, मतलब HUF डिफरेंट है, एक तरीके की मैं कह देता हूँ कंपनी हो गई। ठीक, अब मेरी ये कंपनी है स्मार्शियस कंपनी, ठीक है, हमारी क्या है आप भी उसके मेंबर हो मैं भी एक मेंबर हूँ स्मार्शियस कंपनी। स्मार्शियस ने 2 लाख का प्रॉफिट अर्न करा, ठीक है, 2 लाख पे उन्होंने कंपनी ने क्या करा टैक्स पे कर दिया, गवर्नमेंट के पास टैक्स चला गया ना, मान के चल लेते हैं रफली मैं ऐसे बोल देता हूँ, उसमें से 50,000 रुपीज हमारा क्या चला गया टैक्स चला गया। अब बचे कितने 1.5 लाख, अब 1.5 लाख आपको भी मिलेगा मुझे भी मिलेगा, गवर्नमेंट इससे दोबारा टैक्स लेगी क्या, नहीं क्यों, अब तो आपकी भी इनकम हुई ना, वो प्रॉफिट आपके पास आ गया तो प्रॉफिट तो आपको भी हुआ मुझे भी हुआ, मेरी इनकम भी हुई आपकी इनकम भी 75,000 रुपीज के अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट करे, बट गवर्नमेंट कहती है ना भैया इसको हम दोबारा टैक्स नहीं लेंगे क्योंकि एक बार हम इस पर टैक्स ले चुके हैं, कमाया तो एक ही बार ना भाई, अभी उसको सिर्फ ट्रांसफर ही तो करा है आपने, दोबारा टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है, शेयर ऑफ, हाँ ऊपर वाले में मतलब एक चीज ये थी कि अगर वो HUF में भी एग्जाम्प्ट है ना तो भी वो मेंबर के उस पर नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है कि हमें ये लगे कि भाई HUF से तो टैक्स नहीं है, HUF को माफ कर रखा है वो टैक्स अभी हमें देना होगा कि नहीं भाई, जब माफ कर रखा है तो फिर उन्हें क्या हो तुम्हें क्या किसी को भी नहीं देना। क्लियर होगी, जैसे अभी हम बात करते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर फ्रॉम द इनकम ऑफ द फर्म, सेम फर्म के केस में फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न करा उसके ऊपर उन्होंने 30% टैक्स पे कर दिया, अब उसके बाद जो प्रॉफिट बचा वो किसको, पार्टनर्स को दे रहे हैं, तो पार्टनर्स दोबारा उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करेंगे। ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर्स ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी, अगर कोई इंडियन कंपनी है और उसके ऊपर क्या हुआ
कंपनी ने जब इनकम कमाएगी, प्रॉफिट कमाएगी, तो उसके ऊपर कंपनी पे कर देगी, बट वो प्रॉफिट अभी मेंबर्स को दे रही है, अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है एज अ डिविडेंड। कंपनी के केस में हम क्या कहते हैं उसको, डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है, प्रॉफिट जो देते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं। उसके ऊपर भी दोबारा टैक्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा, ठीक है। देखो ये हमारे ये तीन और इंपॉर्टेंट है, ये टैक्स की रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट आते हैं। क्या? विड्रॉल ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ पीएफ और पीपीएफ सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पीएफ में पैसा डिपॉजिट करने का सोचा होगा, ठीक है, पीपीएफ के बारे में सुना होगा। ये ना मतलब एक आपके पास क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं तो उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे ना टैक्स नहीं लगेगा जब पूरी मैच्योर अमाउंट आप निकालोगे। मान के चलो आप 10 साल तक उसमें पैसा इन्वेस्ट करते रहे करते रहे करते रहे, पहले तो उसमें एग्जिट वहां पे आपको छूट मिल जाती है, बाद में डिडक्शन देखेंगे तो उसमें भी फायदा मिलता है। बाद में जब वो 10 साल बाद आपने पैसे निकाले ना, जैसे 10 साल बाद आपने 10 लाख रुपए निकाले, अब तो आपकी इनकम हो गई ना, वो आपके पास पैसा है। बट गवर्नमेंट कहती है नहीं, इस पे हम आपसे पैसा पे इस वाले पैसे पे टैक्स नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, 10 लाख आए आप रखो, हम इस पे टैक्स नहीं लेंगे। तो ऐसी वाली सिचुएशन आती है, ठीक है। सो यहाँ पे ये पीएफ पीपीएफ इसमें बेनिफिट बहुत मिलता है, क्योंकि ये पहले भी डिडक्शन देके जाते हैं जब हम खर्चा करते हैं, इसमें पैसा डालते हैं, और जब पैसा आता है उस पर भी टैक्स नहीं देना होता है। सेम हमारा इंटरेस्ट ऑन गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड्स आते हैं हमारे, गवर्नमेंट इशू करती है इन बिटवीन, ये भी इन्वेस्टमेंट का एक सोर्स है। सो अगर इस पे भी कोई इंटरेस्ट आ रहा है तो उसके ऊपर भी हमें कोई टैक्स नहीं देना है। एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चरल जो खेती बाड़ी से आ रहा है पैसा, उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं देना है। एग्रीकल्चर इनकम को मैं नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली पूरा डिस्कस करूंगा, ठीक है। छोटी छोटी वीडियो स्प्लिट कर रहे हैं सो दैट आपको कभी भी कुछ रिवाइज करना है तो आप उसको एकदम क्विकली देख सकते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। मतलब ठीक है, अभी एक स्लाइड हो गई ना तो इसको नोट डाउन करने का आपको टाइम भी मिल जाता है, तो आराम से आप उसको कवर कर सकते हो।